वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। एसएसटी का एग्जाम भी बड़ा सिरदर्द बना हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि याद नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, याद नहीं हो रहे हैं, आंसर बहुत लेंदी है ना, बहुत से बहाने आते हैं बच्चों को, लेकिन आप समझते नहीं हो, समझे बिना पढ़ते हो, इसलिए वो याद नहीं होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो काम करेगा। पहला काम तो ये होगा कि कम ज्यादा आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं, मोस्ट क्वेश्चन छांटे हैं मैंने चारों आपकी बुक्स को कंसिस्ट करके, और दूसरा ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसा आता है आपका हाफ ईयरली का पेपर। हाफ ईयरली का पेपर जो है वो काफी सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इस बार कंफ्यूजन का विषय रहा। क्यों रहा? क्योंकि एक तो नंबर्स जो है वो अलग तरीके से डिवाइड हुए हैं, क्वेश्चन अलग तरीके के आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपके हाफ ईयरली पैटर्न पर हमने ये पेपर तैयार किया है। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आपके पेपर की तरफ चलते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो पेपर होगा वो टोटल 48 मार्क्स का होगा, 48 नंबर का ये पेपर होगा आपका। इसलिए है क्योंकि जो बाकी के 12 नंबर जो 60 का हुआ करता था ना, तो बाकी के जो 12 नंबर हैं वो इंटरनल असेसमेंट में दे दिए गए हैं, तो इस बार पेपर 48 नंबर का होगा। पेपर को अटेम्प्ट करने का टाइम भी कम कर दिया गया है, जो 3.25 घंटे हुआ करता था उसको 2.25 घंटे कर दिया गया है, क्योंकि मार्क्स भी अकॉर्डिंगली कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें पहले 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, पहले 20 क्वेश्चन वो कंटिन्यूअसली 1 मार्क्स ईच होंगे, और क्वेश्चंस में से भी आपके पहले 5 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री से लिया है कि किस घटना से विवश होकर गांधी जी को असहयोग आंदोलन खत्म करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा, बिकॉज ऑफ विच इंसिडेंट गांधी जी हैड टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किस क्यों उन्होंने कॉल ऑफ किया था, तो उसके लिए रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो आपको देखना है। जैसे इसमें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और गोलमेज नहीं बल्कि चौरी चौरा इज द राइट आंसर, तो आपको इस तरह से आंसर टिक करने हैं। लेकिन वो टिक सिर्फ इसमें नहीं करने, आपको कॉपी में एक पूरी टेबल बना के आंसर लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रिसोर्स इज आयरन ओर, लौह अयस्क जो है निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है, ये एक रिन्यूएबल है, ये बायोटिक है, फ्लो है या नॉन रिन्यूएबल है, ये नवीकरणीय है, जैविक है, ये प्रवाह योग्य है या गैर नवीकरणीय है। तो आप सबको पता है कि लौह अयस्क जो है वो नॉन रिन्यूएबल या फिर जिसको गैर नवीकरणीय कहते हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, हमारे प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के लिए इनमें से कौन सा कारण जो है वो उत्तरदायी नहीं है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन यानी कृषि को बढ़ावा देना, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वृहद स्तर की जो परियोजनाएं है वो, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, चराई और लकड़ी का ईंधन या नन ऑफ दीज। तो आप सबको पता है कि चराई और लकड़ी जो ईंधन संग्रह होता है उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो सही आंसर है। When did श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट, श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1947 में, 48 में, 49 में या 50 में, तो 1948 में आजाद हुआ था ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जहां फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है उसको किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस या ऑल ऑफ दीज, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्थिति दर या ये सभी। तो हमने पता है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ओवरऑल ग्रोथ को शामिल किया जाता है, तो ये सभी इसका सही आंसर है। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जिसमें एमसीक्यूज आते हैं और आपको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और वो राइट आंसर देना होता है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो होंगे वो ब्लैंक्स होंगे, यानी आपको खाली स्थान भरने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के भरोसे नहीं रहिए, ब्लैंक्स अगर आते हैं तो आपको खुद से लिखना पड़ता है वो आंसर। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द
जब हम किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे किस प्रकार की एक्टिविटी कहते हैं, उसे प्राथमिक जो है सेक्टर की या क्षेत्र की एक्टिविटी या गतिविधि कहा जाता है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, फ्रांस की क्रांति 1789 में, 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रोटेस्ट द सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर के निर्माण के बांध के निर्माण के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से बताया गया था वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया जा रहा है। इट इज कॉल्ड व्हेन अ थिंग इज गिवन इन एक्सचेंज टू एनीथिंग, जब किसी चीज के बदले में चीज दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए तभी आप ब्लैंक्स फिल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, देयर वर प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी, तो 565 रियासतें थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पांच क्वेश्चन आपके आएंगे ब्लैंक्स के। अगले पांच क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रू फॉल्स के होंगे, इजी लगता है लेकिन कई बार ट्रू फॉल्स में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आते, तो इसलिए ध्यान रख के पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट जैसा आपके सिविक्स में से है, शेयरिंग द पावर इन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल इज कॉल्ड एज द वर्टिकल पावर शेयरिंग, अगर केंद्र में राज्य में और स्थानीय स्तर पर सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे की तरफ, बिल्कुल ये सही है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है, यूएसए इज नॉट अ फेडरल स्टेट, अमेरिका संघात्मक राज्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अमेरिका जो है वो कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरल स्टेट है जिसमें साथ आने वाला संघ बना हुआ है, तो दिस इज फॉल्स, ये गलत है। नेक्स्ट है, नेपोलियन फोर्स्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ जर्मन लैंग्वेज, नेपोलियन ने जर्मन भाषा के प्रसार पर जोर दिया था, बिल्कुल नहीं, नेपोलियन फ्रांस का था और उसने फ्रेंच लैंग्वेज के स्प्रेड पर बहुत ज्यादा फोर्स किया था। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल, इट इज एब्सोल्यूटली राइट, क्योंकि काली मिट्टी है और उसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, साथ ही में कॉटन सॉइल या फिर कपास मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। इसके बाद के पांच क्वेश्चन जो होंगे वो वन लाइनर्स या जिनको हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं ना, वैसे आएंगे। तो आपने देखा कि ये 20 नंबर जो है वो प्रॉपरली कैसे डिवाइड है, पांच आपके एमसीक्यूज आएंगे, पांच आएंगे आपके ब्लैंक्स, पांच आएंगे ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स और पांच आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस वैसे तो कोई प्रॉपरली नहीं बताए जा सकते, क्यों, क्योंकि कहीं से भी दिए जा सकते हैं, ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है जो बेस्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वही आपके लिए लेकर आए। अब इसमें 15th क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं, 15th क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स का है वो है, रेलवे सर्विस आर इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर, रेलवे सेवाओं को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, यह ऐसा इसलिए है क्योंकि रेलवे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन देता है और सर्विस देता है और टर्शियरी सेक्टर कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर। 16th है, व्हाट डज इट मीन बाय सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप सबको पता है जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र होता है उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को जब प्रोसेस किया जाता है और विनिर्माण किया जाता है तो उसको द्वितीय क्षेत्र का निर्माण कहा जाता है। फॉर हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड, बेल्जियम का संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था, तो आपको सीधा सा आंसर लिखना है, फॉर 4 times द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड, बेल्जियम के संविधान में 4 times संशोधन किए गए थे जिसको हम अकोमोडेशन भी कहते हैं। हाउ इज पर कैपिटा इनकम मेजर्ड, प्रति व्यक्ति आय कैसे नापी जाती है, तो अगर आप सीधे सीधे लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है, या फिर इसका फॉर्मूला भी ले सकते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, देश की कुल आय उसको भाग करना है किससे, देश की कुल जनसंख्या से। 19th क्वेश्चन है, राइट टू नेम्स ऑफ एक्सटिंक्टेड स्पीसीज इन इंडिया,
भारत की दो लुप्त प्राय प्रजातियों के नाम लिखें, तो आप सबको ये आपके चैप्टर के शुरू शुरू में ही आया हुआ है। एक तो एशियाई चीता, एशियाटिक चीता, एंड द सेकंड इज गुलाबी सिर वाली बतख, द पिंक हेडेड डक, ठीक है ना। 20th क्वेश्चन है, व्हेन डिड ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट, यूनान कब स्वतंत्र हुआ। तो आपने पढ़ा था आपके फर्स्ट चैप्टर में जो नेशनलिज्म इन यूरोप है उसमें आया हुआ है, 1932 में यूनान जो है स्वतंत्र हुआ था, ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट। नाउ अब जो 21 से लेकर 27 तक क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस दो नंबर के होंगे, और ये सात क्वेश्चन सातों के सातों आपको अटेंड करने जरूरी है। ये लघुतरात्मक कहलाते हैं, जिनको हम शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको कम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो है कम से कम पांच लाइन में देना है। दो नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं चार से पांच लाइनों में इनका आंसर देना होता है, यानी कि कम से कम आपको 40 से 50 शब्द इनके लिए लिखने होते हैं। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आपके फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद हो जाए। सेकेंड इज, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं बीच में से नहीं लिए गए हैं, कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अपने मन से बनाकर लिखे गए। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने टेंडेंसी देखी है कि लगभग जो पेपर आ रहे हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चन से रिलेटेड ही आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन हो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करते हैं, तो वही क्वेश्चन हमने भी सिलेक्ट किए हैं। तो हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध कैसे सहायक सिद्ध हुआ। तो ये आपने अच्छे से पढ़ा था कि हम पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया गया, बहुत ज्यादा हमें वहां की फौजों में भर्ती होने के लिए बाध्य किया गया, ये सब चीजों से लोगों में आक्रोश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। बात मैदानों की नहीं की जा रही है, बात पहाड़ी क्षेत्रों की जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कौन से उपाय सुझाए जा सकते हैं। तो आप आराम से इसमें दो तीन पॉइंट लिख सकते हो, जिसमें कॉन्टूर प्लॉइंग होती है यानी कि समोच्च जुताई होती है, उसके बाद में टेरेस फार्मिंग होती है यानी कि जो समोच्च जो खेती होती है वो कह सकते हैं, उसके साथ साथ ही आप शेल्टर बेल्ट्स का नाम ले सकते हैं, रक्षक मेखलाओं का। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और उन पॉइंट्स को एलोबरेट करके इसका आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या है। कितने सारे लाभ हमने पढ़े हैं इनसे, जो है जल संग्रहण हो सकता है, बाढ़ से बचाव हो सकता है, सूखे के दिनों से निपटने की तैयारी की जा सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, मछलियां जो है वो यहाँ पाली जा सकती है और सिंचाई होती है, पीने के पानी की सुविधाएं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सोशल डिफरेंसेस बिकम अ सोशल डिविजन, सामाजिक भिन्नताएं सामाजिक बंटवारे का रूप कब ले लेती हैं। तो ये आपके जो थर्ड चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपके सिविक्स में, उसमें से ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो ओवरलैपिंग डिफरेंसेस का और एक ये, तो ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपका। नेक्स्ट है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सीधी सी परिभाषा आप लिख सकते हो कि जब हम वर्तमान के जो भी संसाधन है उनका उपयोग इस प्रकार से करें कि वो भविष्य की पीढ़ियों की भी जरूरत पूरी करने में सक्षम हो, तो इस प्रकार किए गए विकास को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। वेन वी कंज्यूम द प्रेजेंट रिसोर्सेज इन ए मैनर दैट दे वुड बी एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, इट विल बी कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। आपके इकोनॉमिक्स में जो सेक्टर्स वाला चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जब किसी भी जगह पर इतने लोगों को काम में लगा दिया जाए कि वहां उनकी जरूरत भी नहीं हो, प्रोडक्टिविटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, तो इस प्रकार के लोग बेरोजगार दिखते भी नहीं है लेकिन होते भी है, तो ऐसी बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
इसके बाद आपके नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे तीन 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 नंबर के, यानी कि 3 marks ईच, और वो आपके अथवा में आएंगे। हो सकता है किसी किसी जिले में आपके अथवा में नहीं भी आए, तो वो अथवा में आने के चांसेस है, क्योंकि वो निबंधात्मक प्रश्न है, वो ऐसे टाइप उनके आंसर दिए जाते हैं, इसलिए तो मैंने भी अथवा में ही आपको ये दिए हैं। अगर अथवा में नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, आप देख लीजिए। जैसे 28 क्वेश्चन है, इनमें एक से ज्यादा क्वेश्चन शामिल होते हैं और आपको पॉइंट्स में लिखने होते हैं, इनके आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, आंसर लिखते चले जाते हैं लिखते चले जाते हैं, लेकिन SST में बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने पड़ेंगे। और RBSC में पॉइंट सारे हाईलाइटेड होते हैं, तो आपको हाईलाइटेड पॉइंट करके उनके नीचे अंडरलाइन करके और उसके बाद में उनका डिस्क्रिप्शन देना होता है, ठीक है। तो 28th क्वेश्चन है, हु वर मैरियाने एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। मैरियाना और जर्मेनिया कौन थे और जिस प्रकार उनका चित्रण किया गया उसका क्या महत्व है। हमने सेकंड चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर दोनों में इनके बारे में पढ़ा है। मैरियाना और जर्मेनिया जो है पर्सोनिफाई की गई थी, व्यक्तिकरण किया गया था राष्ट्र का, उससे रिलेटेड है। तो आप फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग जो पॉइंट्स है उनमें जाके देखिए, इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट है, क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस, जो हमारे संसाधन है उनका विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण करना। एक बहुत अच्छी टेबल आप इसमें बना सकते हो, जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, वो फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। वर्गीकरण, फिर वर्गीकरण के चार आधार, कि भाई ओरिजिन यानी उत्पत्ति के बेसिस पर, एग्जिस्टिबिलिटी यानी समाप्ति के आधार पर, उसके बाद में जो है ओनरशिप के आधार पर, और लास्ट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट या फिर विकास के स्तर के आधार पर। उसके बाद अलग अलग उनको और क्लासिफाई किया जा सकता है, कि जो ओरिजिन के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, वो बायोटिक अबायोटिक यानी जैविक और अजैविक होते हैं। जो एग्जिस्टिबिलिटी यानी समाप्ति के आधार पर है, वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय होते हैं, है ना। तो इस तरह पूरी एक टेबल दी हुई है, बहुत अच्छे से टेबल भी अगर आप बना देते हो ना इस क्वेश्चन के आंसर में, तो आपका परफेक्ट मार्किंग हो जाती है इसमें। नेक्स्ट है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। मानवीय गतिविधियां किस प्रकार से प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का कारण बनती है। हम ऐसे कौन से काम करते हैं जिनकी वजह से जो फ्लोरा एंड फौना है उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो आप इसमें डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हो, यानी कि वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई। उसके अलावा खनन लिख सकते हो, माइनिंग जो हम अंधाधुंध करते हैं, ध्यान नहीं रखते, और प्रदूषण लिख सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट है, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। चर्चा कीजिए कि वर्षा जल संग्रहण राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार काम में लिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो आपके पिक्चर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, वो बना सकते हो, कि किस तरह से एक टांका बनाया जाता है, छत से पानी को टांके तक लाया जाता है, उसे ग्राउंड वाटर भी फिल होता है, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। तो बहुत ही स्कोरिंग हो जाता है अगर आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हो, समझते हो और फिर उसका आंसर देते हो। तो नेक्स्ट जो 30th और 31st क्वेश्चन है, जिसमें आई गेस कि 31st क्वेश्चन जो है आपके मैप का आने वाला है, और 30th क्वेश्चन जो है वो वेरी जो ऐसे टाइप के आंसर्स होते हैं उसमें से आएगा। तो 30th क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। समाज के विविध समूहों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार भागीदारी निभाई। 4 नंबर का ये आंसर होगा इसका, और इसमें आपको प्रॉपरली सारों को जो है बिल्कुल अंडरलाइन पॉइंट्स बना के और फिर लिखने हैं, कि किस प्रकार ने मध्यम वर्ग ने भागीदारी निभाई, किस प्रकार से विद्यार्थियों ने भागीदारी निभाई, किस प्रकार से औरतों ने अपनी भागीदारी दी स्वतंत्रता संग्राम में, वो सब चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करनी है। इसके अथवा में है, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। वर्तमान या आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता के बंटवारे के विभिन्न तरीके कौन से हैं,
प्रत्येक को उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको वो लिखने हैं कौन कौन से, वर्टिकल पावर शेयरिंग यानी कि ऊर्ध्वाधर सत्ता का विभाजन, उसके अलावा जो क्षैतिजाकार विभाजन होता है, उसके अलावा सामुदायिक विभाजन होता है जो हमने सारे पढ़े। ऊर्ध्वाधर में आप लिख सकते हो फेडरल सिस्टम का, जो संघीय सिस्टम होता है उसका, और हॉरिजॉन्टल में आप लिख सकते हो सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में, जिसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब होते हैं। और कम्युनिटी में आप बेल्जियम का उदाहरण दे सकते हो सामुदायिक सत्ता के बंटवारे में, कि किस प्रकार से वहां अलग अलग भाषा के लोगों ने अपनी सत्ता को बांट लिया और किस अच्छे से अकोमोडेशन करके शांति से रह रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। इसमें से आई गेस कि जो पहला आएगा वो आपके हिस्ट्री में से आएगा, जो कि सेकंड चैप्टर में से बनते हैं क्वेश्चंस, और दूसरा जो पार्ट आएगा वो ज्योग्राफी में से आएगा, ठीक है ना। तो पहले पार्ट में मैंने कानपुर, अमृतसर, बंबई और कलकत्ता को सिलेक्ट किया है। ये सभी वो जगह है, कानपुर और कलकत्ता और बंबई। यहाँ पर बंबई में क्या किया था, महात्मा गांधी का अधिवेशन हुआ था, उसके लिए फेमस है। कानपुर और कलकत्ता भी कांग्रेस के अधिवेशंस के लिए ही आपके बुक में, आपके उस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में स्पेशली मेंशन है। अमृतसर वो जगह है जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी वजह से अमृतसर भी टिक करना आ सकता है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित करो, ये अधिकांशतया क्वेश्चन जो है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन वाले चैप्टर से लिए है मैंने, जिसमें शिलोंग है, शिलोंग जो कि उत्तर पूर्व की एक जगह है मेघालय में, जैसलमेर है जो राजस्थान में है, झारखंड एक राज्य है और गोवा भी एक राज्य है। तो ये आपको इंडिया के मैप में फिल करने हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रिपेयर किया आपके लिए पेपर, ताकि आपके लिए पेपर अटेंड करना इजी हो जाए। दोनों प्रोस्पेक्टस से ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप चाहें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के इनको पढ़ सकते हो, और चाहें तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि किस तरह हमारा पेपर आएगा और कैसे हमें उसका अटेंड करना है, कैसे उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे आपके लिए कुछ नए और कुछ बेहतरीन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।